नमस्कार, मैं हूं कैसा पंडित। आज आप देख रहे हैं हमारे साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। बच्चे देश का भविष्य हैं, ये हम नहीं हर उस आम आदमी से सुनने को सबसे पहले मिलता है जो शिक्षक हो, अपनी शिक्षा बांटता हो, हमें पढ़ाता है और हमें देश का भविष्य बनाता है। जब हमें भविष्य बनाने वाला हमारे भविष्य को अंधकार की ओर ले जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। बच्चों के भविष्य को लेकर जहां सरकार चिंतित है, वहीं पर बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जा रही हैं, लेकिन इस स्कूल में शिक्षकों के द्वारा ही बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। हमारी टीम को जब इस बात का पता चला तो वो सुबह 11 बजे उस विद्यालय में पहुंचे तो एटीवी न्यूज की टीम ने जो देखा उसे आप देखें। बच्चे खुद सफाई कर रहे हैं और शिक्षक ही करवा रहा है। इसे आप इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि शिक्षकों के द्वारा ही बच्चों से साफ सफाई करवाई जा रही है। और जो पता चला था हमारी टीम को, उस टीम ने जो सुबह जाकर के देखा, उसे साबित हो गया कि जो वहां पर हो रहा है वो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत हो रहा है। और इसकी जानकारी एसडीएम को भी दी गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़ शिक्षकों के हाथ। रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ ब्लॉक में बरपाली गांव के शासकीय स्कूल के मैदान में बच्चों के हाथों से झाड़ू से गोबर लेप करवाया जा रहा है, जिसकी जानकारी बीओ एसआर सागर को भी दी गई। उसके बाद एसडीएम को भी जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सवाल उठता है, क्या कार्यवाही होगी या फिर यूं ही शिक्षकों के द्वारा बच्चों पर मनमानी चलती रहेगी? हमारे देश के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा? आप सुनिए हमारी टीम से क्या बातचीत हुई वहां के शिक्षकों से और उन्होंने क्या अपनी सफाई में कहा। बरपाली के प्रधान पाठक हैं और मैंने आज सुबह स्कूल समय पर आया और उसके पश्चात बच्चे अपने मन से शाला के साफ सफाई स्वच्छ भारत में अपने मन से गोपाल लाल दीपाई को देख रहे थे। उसको आके अधिकारियों या मीडिया वाले ने देखा होगा। अभी टाइमिंग क्या हुआ है? अभी समय हो रहा है 10:30। 10:30 हो गए, अभी तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है, आप खुद की? नहीं, अटेंडेंस तो होगी। आप, मैंने रजिस्टर में देखा है अभी तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगी हुई है। नहीं सर, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अटेंडेंस हुई है, टोटल किए हैं। बच्चों की अटेंडेंस अभी तक नहीं हुई है? हुई है सर। आरटीआई के तहत आपको बच्चों से काम कराना? नहीं, ये आरटीआई के तहत तो बिल्कुल नहीं है उसका काम कराना। आप लोग बैठे थे यहाँ? हम पूरे धारा पढ़े हैं, हमारे यहाँ किताब है आरटीआई के तहत। जो हम जब निरीक्षण के लिए आप बैठे थे यहाँ, बच्चों लोगों से काम करवा रहे थे, इसमें क्या कहना? नहीं, हम लोग अपने उनको काम नहीं करवाते सर। हम लोग कहे क्या है, उनको सर साफ सफाई करने के लिए उन लोग एकदम स्वतंत्र हैं। गाँव के बच्चे साफ सफाई कर काम करने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, इसलिए अपने इच्छे से ला के कर रहे थे। आप 9 तारीख के बाद में बोर्ड ब्लैक बोर्ड की डेट चेंज नहीं की है, उसके बारे में बताइए आप। हाँ नहीं, पहली और दूसरी कक्षा का है, वो क्या है कि सर कल ही हर समय पीरियड में जाते हैं, लेकिन उसे डेट को चार से नहीं चेंज किए। आरटीआई के तहत पहले ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले ब्लैक बोर्ड और हाँ, उसकी मेंटेनेंस किया जाता है। हाँ, कक्षा कालखंड दिनांक प्रत्येक दिन का बदलना है उसका कालखंड के, लेकिन उसमें आचार। एटीवी न्यूज की शासन प्रशासन से अपील है कि वो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जिससे बच्चों के डूबते भविष्य को अंधकार की ओर न जाकर के प्रकाश की ओर ले जाया जा सके। ज्ञान बांटने वाले शिक्षक भी जब अपने रास्ता अगर भूल जाए तो उन्हें कभी कभी ज्ञान सिखाना पड़ता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, खबरों का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ से एटीवी न्यूज के लिए धर्मवीर तीर के साथ सुधा बनर्जी की रिपोर्ट।